गुड इवनिंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको जीटीए सर्विसेज से रिलेटेड जो एग्जेम्पशन की लिस्ट है, यानी कि जीटीए से जुड़े जो भी एग्जेम्पशंस हैं, जो भी कंफ्यूजन है, उनको दूर करने का प्रयास करूंगा। एग्जेम्पशंस पे चलने से पहले आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि जीएसटी प्लेटफॉर्म के द्वारा 2 अगस्त 2020 को जो ऑनलाइन वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसका एजेंडा है ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ GSTR4 एनुअल रिटर्न, जो कि 1920 के लिए हर एक कंपोजिशन टैक्स पेयर को फाइल करना मैंडेटरी है। उसके साथ साथ GSTR3B में अगर आपसे गलती हो गई है तो उसे आप कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, GSTR3B का जो टेबल आपने फाइल किया है 1819 में, उसको अब आप GSTR9 से कैसे ठीक करेंगे, कैसे आप उसको लिंक कर सकते हैं, इन तीन इंपॉर्टेंट विषय के ऊपर ऑनलाइन वेबिनार 11 बजे से 2 बजे तक ऑर्गेनाइज किया गया है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने एग्जेम्पशंस के। पहला एग्जेम्पशन है सर्विसेज बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर टू अ स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग अ मोटर व्हीकल मेंट टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर्स और टू अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी अ मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। अभी मैं पहले आपको पॉइंट नंबर बी एक्सप्लेन करता हूं, आपको खुद ब खुद पॉइंट नंबर ए क्लियर हो जाएगा। ये पॉइंट नंबर बी क्या कहता है, लेट सपोज एक इंडिविजुअल है और उसके पास 3 ट्रक्स हैं। ये कोई जीटीए नहीं है, इसके पास 3 ट्रक्स अवेलेबल है। अब ये क्या करता है, ये इन ट्रक्स को एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को देता है ऑन हायर बेसिस, यानी कि किराए पे देता है। और ये जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है वो क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का सर्विस प्रोवाइड करती है और कंसाइनमेंट नोट इशू करती है। तो यहां पर एग्जेम्पशन दिया गया है इस इंडिविजुअल को जो एग्जेम्पशंस दी गई है वो ये दी गई है कि आपने जो ट्रक दिया है ना हायर पे एक जीटीए को, जो कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का बिजनेस करता है, तो आपका ये हायर वाला जो बिजनेस है ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इस पे आपको टैक्स चार्ज नहीं करना है हायर रिसिप्ट पे किसी जीटीए के लिए। इस चीज को समझिएगा, काफी लोग इस चीज को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं। सर्विसेज बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर टू अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी होनी जरूरी है, तभी वो एग्जेम्पशन मिलेगी। इसीलिए आपको पॉइंट नंबर ए अब समझ आ गया होगा कि अगर आपके पास कोई मोटर व्हीकल है, आपने किसी स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को दे दिया है ऑन हायर, और उसका काम क्या है, वो है मोर देन 12 पैसेंजर्स को कैरी करने के लिए यूज होगा, तो वो भी हायर रिसिप्ट जो होगी वो एग्जेम्प्ट होती है, अदरवाइज वो टैक्सेबल हो जाएगी। ये पहला एग्जेम्पशन है जो कि लोगों को समझना जरूरी है। दूसरा एग्जेम्पशन है सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स जो है वो ही प्रोवाइड हो रहा है, लेकिन वो भी एग्जेम्प्टेड है, कब, बाय रोड एक्सेप्ट जीटीए। अब देखिए यहाँ पर क्या डिफरेंस हुआ वो समझिएगा। यहाँ पर क्या बोला गया, लेट सपोज एक शॉपकीपर है, ये शॉपकीपर क्या करता है, एक टेम्पो ड्राइवर को या एक टेम्पो वाले को अपने शॉप के पास खड़ा कर लेता है। इस टेम्पो वाले का काम क्या रहेगा, इस टेम्पो वाले का काम रहेगा कि इस शॉप में जो भी कस्टमर आएगा और जो भी माल परचेज करेगा, लेट सपोज एसी या फ्रिज परचेज करता है, तो उस सिचुएशन में एसी या फ्रिज कस्टमर अपने साथ तो लेकर के जाएगा नहीं, ये इस शॉपकीपर को बोल के जाता है कि आप ये मेरे घर पे डिलीवरी करवा दीजिएगा। तो शॉपकीपर बोलता है ठीक है, आपसे मैं 500-400 रुपए एक्स्ट्रा भाड़ा चार्ज कर लूंगा। उस किराए को लेने के लिए वो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देता है और ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के लिए इस टेम्पो वाले की मदद ली जाती है। एक तरीके से आप देखेंगे तो ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स तो हो रहा है, लेकिन ये जो टेम्पो वाला है ये कोई जीटीए नहीं है, ये बिल्टी इशू नहीं करके देगा और ये ट्रांजैक्शन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वाली एग्जेम्प्ट मानी गई है। यहां पर वही चीज मेंशन किया गया कि सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड एक्सेप्ट जीटीए। अगर ये जो शॉपकीपर है वो इस टेम्पो वाले की सर्विस लेने की बजाय
किसी जीटीए की सर्विस ले लेता जो कि बिल्टी इशू करने के लिए लायबल है तो वो टैक्सेबल हो जाती, वो एग्जेम्प्ट नहीं रहती। कहने का मतलब है कि छोटे मोटे जो ड्राइवर्स होते हैं, जो एक आधी गाड़ी अपनी रोड पे चलाते हैं, उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन से बाहर रखा गया है, टैक्स के झंझटों से बाहर किया गया है। ये है हमारा दूसरा एक्सेप्शन। तीसरा एक्सेप्शन है नोटिफिकेशन नंबर 32। ये नोटिफिकेशन नंबर 32 क्या कहता है, इसको भी ध्यान से समझिएगा। नोटिफिकेशन नंबर 32 कहता है कि अगर एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहा है, किसके दे रहा है, अगर वो ट्रांसपोर्ट की सर्विस देता है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को तो वो एग्जेम्प्ट होगी। लेकिन ये अनरजिस्टर्ड पर्सन जो है इसमें कौन कौन शामिल नहीं होंगे, इसमें फैक्ट्री मालिक जो होते हैं, जो फैक्ट्री रजिस्टर्ड होती है वो नहीं होंगी। पार्टनरशिप फर्म अगर है तो वो बाहर रहेंगी एग्जेम्प्शन से। अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो वो बाहर रहेगी। अगर कोई सोसाइटी रजिस्टर्ड है तो वो भी बाहर रहेगी। अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है तो वो भी बाहर रहेंगी एग्जेम्प्शन से। साथ ही साथ अगर कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है यानी कि सीटीपी है जो कि रजिस्टर्ड है जीएसटी में, वो भी इस एग्जेम्प्शन से बाहर हो जाएगी। तो ये 5-6 लोगों को छोड़ के अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, यानी कि अब अनरजिस्टर्ड पर्सन रह कितने गए इसमें, तो इसमें रह गया अनरजिस्टर्ड पर्सन जो कि एक इंडिविजुअल है। अगर कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म है, छोटा मोटा किराना स्टोर है, वो अनरजिस्टर्ड है, वो किसी ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस को ले ले जिसपे आरसीएम लागू होता है, तो वो सर्विस ही एग्जेम्प्ट कर दी गई है। इसमें आपको एग्जेम्प्शन की वजह से रजिस्ट्रेशन लेने का जो लायबिलिटी है वो भी खत्म हो जाता है। और इस अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल में अनरजिस्टर्ड पर्सन जो सीटीपी अगर अनरजिस्टर्ड है तो भी एग्जेम्प्शन के दायरे में आ जाएगा। ये हमारा नोटिफिकेशन नंबर 32 जो है वो कहता है। इसके अलावा एक और एग्जेम्प्शन है नोटिफिकेशन नंबर 12 से, जिसमें स्पेसिफिक लिस्टिंग दी गई है जो कि आप लोगों को लगभग लगभग पता ही होती है, इसीलिए इसमें ज्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि एग्रीकल्चर अगर कोई प्रोडक्ट ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो वो एग्जेम्प्ट है। मैन्योर अगर ट्रांसपोर्टेशन है जो कि ऑर्गेनिक बनता है तो वो एग्जेम्प्ट है। डिफेंस एंड मिलिट्री की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो एग्जेम्प्ट है। न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स जो होती है उसकी ट्रांसपोर्टेशन एग्जेम्प्ट है। फूड ग्रेन्स हो गया, सॉल्ट हो गया, मिल्क हो गया, इनकी ट्रांसपोर्टेशन को एग्जेम्प्ट किया गया है। 1500 और 750 की ट्रांसपोर्टेशन अगर कॉस्ट है तो उसे एग्जेम्प्ट किया गया है। तो इन कुछ चीजों को छोड़ करके बाकी हर किसी चीज पे ट्रांसपोर्टेशन का टैक्सेबिलिटी जो है वो बन जाता है। तो ये कुछ एग्जेम्प्शंस थी जो कि आपको पता होना मैंडेटरी है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जो एग्जेम्प्शंस हैं वो क्लियर हो गई। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आपको दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। जीएसटी से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए अब आपके पास दो तरीके हो गए हैं। पहला तरीका तो आप हमारी YouTube चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर सकते हैं जो बिल्कुल फ्री है। सिर्फ आपको नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, उसे प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और दूसरा तरीका क्या है सर? दूसरा तरीका है हमारा मंथली टैक्स मैगजीन, जो कि आपको 1 ईयर 2 ईयर और 3 ईयर प्लान में दिया जाता है। सब्सक्राइब करने के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। Thank you and have a nice day.